एडवाइस। मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी, जो 12 इयर्स की जर्नी मैंने एविएशन में कंप्लीट की है, वो शेयर करूंगी। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने कितने इंटरव्यूज दिए, रिजेक्शंस, सब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत की 2006 में। मैंने इंटरव्यूज देने शुरू किए एविएशन में और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन भी हुआ। रिजेक्शन का रीज़न आपको कभी बताया नहीं जाता है, बट आप जब इंटरव्यू देते हैं, जैसे मैं जब इंटरव्यू देती थी तो मुझे मालूम होता था मैंने कहाँ पर फंबल किया है। आप इतने नर्वस होते हैं और वो आपकी एज ऐसी होती है ना कि आपको इतना चीज़ों का नहीं पता होता, आप हर चीज़ से बहुत डरते हैं, तो आप कहीं ना कहीं नर्वसनेस की वजह से फंबल कर जाते हैं। तो मैं जब इंटरव्यूज़ देके आती थी, मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मुझे मालूम होता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये मोस्टली मेरे साथ होता था। और मेरे इंटरव्यूज़ के टाइम की बात मुझे याद है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर की हुआ करती थी। मैं बहुत जल्दी जेलप नहीं होती थी, मुझे टाइम लगता था हर किसी के साथ मिक्सअप होने में। तो मोस्ट ऑफ़ द इंटरव्यूज़ मैंने एविएशन के जो दिए हैं अपनी मम्मी के साथ जाकर दिए हैं। और मेरी मदर मेरे साथ पूरा टाइम वहाँ वेट करती थी। लंबे लंबे इंटरव्यूज़ होते थे जिसमें कि जीडी राउंड्स और पर्सनल राउंड्स, देर यूज़ टू बी सो मेनी राउंड्स। तो 7 to 8 hours तो नॉर्मली लग ही जाते थे। हर रिजेक्शन से, हर फेलियर से आप कुछ सीखते हैं। और हर इंटरव्यू में आप जब कुछ करते हैं, अगर कुछ आपसे गलत हुआ होता है तो आप उस चीज़ से भी सीखते हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मैं रिपीट ना करूं। और मेरी ये कोशिश हमेशा रहती थी कि मेरा रिज्यूमे बहुत सिंपल हो, क्योंकि अगर आपके रिज्यूमे में बहुत चीज़ें होंगी, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे रिज्यूमे, वो आपके लिए ही मुश्किल होगा। बिकॉज जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसके लिए फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है, आपका फ़ोटोग्राफ एंड द रिज्यूमे। अगर रिज्यूमे में आप बहुत चीज़ें मेंशन करेंगे तो आप ग्रिल भी उतने ही होंगे। तो कोशिश करिए अपने रिज्यूमे को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाएं। मेरा रिज्यूमे बहुत सिंपल था, मुझे सब कुछ मालूम था अपने रिज्यूमे में, क्योंकि वो आपसे रिज्यूमे में कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैंने एविएशन के अलावा हॉस्पिटैलिटी में भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरा एक सिलेक्शन हो भी गया था एक दिल्ली के एक होटल में, जो मैंने लेटर ऑन ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वहाँ पर वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, सैलरी बहुत कम थी, कैब्स भी नहीं थी। तो आई ड्रॉप्ड दैट आइडिया, जो मुझे लगा मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एविएशन में, जिस एयरलाइन में मैंने फ्लाई किया है। लेट मी टेल यू, मैंने उसमें कुछ टाइम ग्राउंड ऑपरेशंस, ग्राउंड हैंडलिंग में भी काम किया है। तो इधर भी मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, अगर आपका सिलेक्शन आपकी डिज़ायर्ड जॉब में नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए अगर आपको एक उसी फील्ड में किसी और डिपार्टमेंट में मिलती है, ऑलवेज ऑप्ट फॉर इट। वाई? क्योंकि मैंने भी ऑप्ट किया। मुझे था कि मुझे भी एयर हॉस्टेस बनना था, बट जब मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ ग्राउंड हैंडलिंग में, तो मुझे लगा कि और जगह तो इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई। और आप एक बार जब एविएशन में चले जाते हैं, उस एयरलाइन में चले जाते हैं, तो आपके बहुत सारे कनेक्शंस हो जाते हैं, आपको बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात, इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स आपकी आती हैं जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू क्राइटेरिया सेम होता है, बट आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। कम से कम आपको एयरलाइन के बारे में इन एंड आउट बहुत पता चल जाता है, बिकॉज़ इंटरव्यू में आपसे एयरलाइन के बारे में भी सवाल किए जाते हैं। इसलिए आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू देने जाएं, उस एयरलाइन के बारे में थरली अच्छे से पढ़ लें। तो जब मैंने कुछ टाइम ग्राउंड्स में काम किया, उसके बाद इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स आई, मैंने उसमें अप्लाई किया और आई गॉट थ्रू एंड आई स्टार्टेड फ्लाइंग। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो मुझे मालूम था दिस टाइम तो आई विल मेक इट। जो मेरा मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, और मुझे मालूम था मुझे बेस जो है जयपुर मिला है, तब तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि आप इंटरव्यू में इतना अपना वो नहीं रख सकते हैं कि मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। जयपुर बेस मिला, आई थॉट चलो दिल्ली से पास है, कोई नहीं, आराम से ट्रैवल हो जाएगा। और उस टाइम हमारी एयरलाइन में कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी, तो मुझे वॉल्वो से मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप एंड डाउन करना पड़ता था। वीक में मैं अपने घर ज़रूर, एवरी वीक आई यूज़ टू गो टू माई हाउस, क्योंकि मैं बहुत होम सिक थी। और ये चीज़ मुझे जयपुर में जाके पता चली, मैं बहुत होम सिक हूँ। जब मैं जयपुर में गई, इनिशियली मुझे 15 डेज होटल स्टे मिला, और मेरे साथ मेरी बैचमेट जो कि आज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, जिसका नाम पूजा है, तो हम दोनों होटल में भी हमने शेयर किया। 15 डेज़ के बाद आपको अपना एकोमोडेशन देखना पड़ता है। अब रियल प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई, जब हमने एकोमोडेशन ढूंढा और हम वहाँ गए रहने, और अगले दिन हमारी अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग थी, मीन्स 3 बजे उठ के हमें 4 बजे रिपोर्ट करना था। आई कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, बिकॉज दैट डे आई रियलाइज आई एम वेरी वेरी होम सिक। और मैं पूरी रात रोती रही। आई कॉल्ड अप माई मदर, अपने सिस्टर को मैंने कॉल किया, एंड आई वॉज क्राइंग दैट मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी मैं रिज़ाइन कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक। मेरी मदर ने मुझे सिर्फ एक बात बोली, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी कम बैक। एंड अगले दिन मैंने अपने बेस मैनेजर को कॉल किया, मैंने बोला सर अगर आप मुझे बेस चेंज नहीं देंगे आई विल रिज़ाइन एंड आई विल गो। ये सब करके, उनके पीछे पड़ के, समहाउ 3 to 6 months में मेरा मुझे बेस चेंज मिल गया और मैं दिल्ली वापस आ गई। अब जब मैंने दिल्ली से फ्लाई करना शुरू किया, मैं अपने घर से फ्लाई करती थी, बहुत अच्छा लगता था घर से फ्लाई करना, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। इनिशियली आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, फ्लाइंग इज़ रियली रियली अमेजिंग एंड यू रियली गेट अडिक्टेड टू इट। फ्लाइंग आप अगर आप एक बार शुरू कर दें तो आप छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्लाइंग में आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपकी सोशल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, स्लीप इशू होते हैं आपको, आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 बजे उठ के 1 बजे उठ के भी फ़्लाइट पे जाना पड़ता है, और लास्ट मिनट आप रिपोर्ट से करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एयरलाइन के लिए भी क्रू मैनेज करना लास्ट मोमेंट पर बहुत मुश्किल होता है। तो सोशल लाइफ, एज आई टोल्ड यू, फेस्टिवल्स पे भी आपको फ्लाई करना पड़ता है। दिवाली पे, जो कि हम इंडियंस के लिए इतनी मेन फेस्टिवल दिवाली होता है, मैंने उस दिन भी फ्लाई किया है, बहुत मुश्किल होता है। वेरी फ्यू पैसेंजर्स फ्लाइज ऑन दिवाली, बट स्टिल यू हैव टू गो, यू रियली कैन नॉट से नो। तो आपकी सोशल लाइफ तो रियली गोज़ फॉर अ टॉस। आपकी हेल्थ भी अफेक्टेड रहती है, क्योंकि इम्प्रॉपर स्लीप, इररेगुलर टाइमिंग्स, आप प्रॉपरली खाना नहीं खाते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो इससे आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, जिसके लिए और भी सॉल्यूशंस हैं जो आप जिनका ध्यान दे के आप इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं। नो डाउट आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आपको एक्सपोजर्स मिलते हैं, आप नई नई जगह पे जाती हैं रहने, अच्छा लगता है हर जगह पे जाके शॉपिंग करना, मैंने भी किया है, मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेके आती थी। मैंने CCIC फ्लाई किया है, मेरी जो मैंने रिज़ाइन किया, मैंने CCIC की पोजिशन, मतलब लीड कैबिन अटेंडेंट जिसको बोलते हैं, हेड होता है फ्लाइट का, मैंने उस पर डिज़ाइन किया है। अगर मैं आज ज्वाइन करूँगी तो उसी पोजीशन पे ज्वाइन करूँगी। बीइंग अ लीड, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पूरी फ्लाइट बेसिकली आपके ऊपर ही होती है। कोई भी इशू होता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो कोई भी इमरजेंसी हो, मेरी फ़्लाइट पे मेडिकल इमरजेंसीज भी हुई हैं, मेरी फ़्लाइट पे इवैक्यूएशन भी हुआ है, मेरी फ़्लाइट पे हर चीज़ हुई है अपार्ट फ्रॉम बर्थ ऑन बोर्ड। सिर्फ बर्थ ऑन बोर्ड मेरी फ़्लाइट पे नहीं हुआ, अदरवाइज सब कुछ मेरी फ़्लाइट पे हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और हर कैबिन क्रू को एक्सपीरियंस होता है। हम बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, हम फर्स्ट एडर्स होते हैं, कोई भी इमरजेंसी फ़्लाइट पे अगर होती है, मेडिकल इमरजेंसी, हमको मालूम होता है कैसे उनको हैंडल करना है। बहुत चीज़ों में हमें ट्रेन किए जाते हैं, बड़े बड़े मैनुअल्स, मोटे मोटे मैनुअल्स हमने पढ़े होते हैं, हमें सब पता होता है कैसे क्या इमरजेंसी में क्या करना है। तो हमेशा अपनी कैबिन क्रू पे आप ट्रस्ट करें, कोई भी इमरजेंसी होगी दे वुड ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू।
सो दैट्स ऑल अबाउट माई वीडियो फॉर टुडे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. वेरी सून आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो. मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मोस्ट प्रोबेबली वो इस चीज़ पे होगा कि अगर आप जब भी इंटरव्यू पे जाएँ तो किन चीज़ों का ध्यान दें, कैसे आपको ड्रेस कोड रखना है, क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. तो मैं इन सब चीज़ों को भी आपके साथ शेयर करूँगी और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेगा एंड शेयर करेगा. एंड आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग माई वीडियो. And see you next time. Take care.